फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में बहुत ही कम समय में हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया की सही अवस्थाएं जो फिल इन द ब्लैंक्स में आती हैं, खास तौर से 9th और 10th के क्लासेस के लिए उसका एक सिलेबस है और ये बाकी के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले हम वर्ब की 5 जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें। जैसे हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और ये 5 फॉर्म्स हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड फिफ्थ है टू गो। अब आइए इनको नाम देते हैं तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कब किसका यूज करना है। बहुत कम समय में करेंगे, पूरे वीडियो ध्यान से देखिए। इसको लिख देंगे प्रेजेंट, यहां लिख देंगे पास्ट, यहां लिख देंगे परफेक्ट, यहां लिख देंगे कंटिन्यूअस और यहां लिख देंगे इन्फिनिटिव। बस अब आप केवल इतना समझ के ही 1-2 मिनट के अंदर ही सीख जाएंगे कि करेक्ट फॉर्म का यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा, यहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं, आई टू स्कूल एवरी डे, और ब्रैकेट में हमें लिखा मिलेगा गो। यहाँ पर गो की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे, तो एवरी डे से पता चल रहा है प्रतिदिन, यानी कि हम ये काम रोज़ कर रहे हैं, वर्तमान में है, तो तुरंत यहां पर हम यूज करेंगे आई गो, मैं जाता हूं स्कूल प्रतिदिन। एवरीडे से पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट है, ये डेली लिखा होगा या कुछ नहीं लिखा होगा, स्कूल मैं जाता हूं स्कूल, ठीक है, तो कोई साइन नहीं होगा तो भी हम मान के चलेंगे कि प्रेजेंट है, तो हमें वहां से अर्थ क्लियर हो जाएगा और हम प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट फॉर्म से भर देंगे। अब मान लीजिए यहां पर एवरीडे हटाकर एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इस ट्रिक को समझ लेंगे, इस टिप को समझ लेंगे, यहां पे लिख देंगे हम स्टरडे। अब ये सेंटेंस चीख चीख के कह रहा है, जैसे सबूत अदालत में पहले 70s की सिनेमा में देखते थे, ये सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि मुलजिम ये है, तो ये सेंटेंस चीख चीख के कह रहा है कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस होते ही हमें चाहिए पास्ट फॉर्म, तो यहां पर लगाएंगे आई वेंट टू स्कूल स्टरडे, मैं विद्यालय कल गया था, कल की बात है, कल गया। अब परफेक्ट टू कैसे क्लियर करेंगे, तो यहाँ पर स्टरडे हटाना पड़ेगा, अब कुछ और ऐसा लगाएं जो परफेक्ट बनाए, तो ये हो जाएगा आई डैश ऑलरेडी, पहले ही, यानी कि ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो पहले ही मतलब परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर आएगा आई हैव ऑलरेडी गॉन टू स्कूल, आई हैव ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। तो ऑलरेडी यहाँ सिर्फ ये नहीं रटना है कि ऑलरेडी ही होगा, ऐसा कुछ हम पहचान ढूंढेंगे जिससे सेंटेंस को क्लियर हो जाएगा कि ये परफेक्ट टेंस का है। जैसे ही हमें पता चल जाएगा तो हम वहां पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हो सकता है ऑलरेडी ना लिखा हो, आई हैव लिखा हो और जगह यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया जाए, तो हैव से पता लग जाएगा कि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो गॉन लगा देंगे। अब मान लीजिए फोर्थ फॉर्म हमें कहाँ चाहिए, फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ हमेशा वहीं लगानी होगी जहां पर कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस की पहचान अच्छे से हमें पता है ये इज आर एम से होती है, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा आई डैश स्कूल और ब्रैकेट में गो लिखा है जैसे, तो कुछ हेल्प मिलेगी जरूर हमें, तो हमें हो सकता है आई एम, इज आर एम के बाद हमेशा वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म आती है यानी कि गोइंग, तो हम पहचान लेंगे कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म की ओर इशारा हो रहा है कि हमें कंटिन्यूअस फॉर्म चाहिए। तो कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे। ऐसे ही इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव फॉर्म तब होती है जब सेंटेंस में एक के साथ दो क्रियाएं होती हैं, जैसे एग्जांपल है आई
वांटेड मैं चाहता था टू गो टू स्कूल विद्यालय जाना। अब यहाँ पर गैप दे दिया जाएगा ऐसे करके और ब्रैकेट में लिखा है गो, तो हम टू देख के पहचान लेंगे कि हमें यहाँ पर इन्फिनिटिव फॉर्म चाहिए यानी क्रिया की वो अवस्था चाहिए, वो फॉर्म चाहिए जो टू के बाद यूज़ होती है। सो डियर वंस, इस तरह से हम पांच फॉर्म्स को, एक आसान तरीका है इसे समझने का, बाकी तो बहुत फिर डिस्क्रिप्टिव है, इसके लिए आप सारे रूल्स अलग वीडियोज में सीख ही रहे हैं ट्रांसलेशन के, वहाँ से पकड़ लेंगे। बेसिक एक शॉर्ट में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल बहुत ज़रूरी था बताना आपको, वो हम ऐसे समझ लें कि जहाँ पर मॉडल्स दिए हुए होंगे, जैसे मॉडल्स हम लिख लेंगे यहाँ, क्या होंगे मॉडल्स, आइए मॉडल्स देखते हैं। ये मिलेंगे हमें जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल शैल को भी यहाँ ले आओ साथ में, ETC। अब हम एक एग्जांपल, बड़ा ब्रॉड एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों, यहाँ थोड़ा और पीछे लिख देंगे मॉडल्स, और हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं आई, उसके बाद ये मॉडल्स हैं, कोई भी एनी ऑफ दीज मॉडल्स, अगर कोई मॉडल आएंगे उसके बाद हमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए होगी। कोई भी मॉडल से, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा, कोई भी मॉडल्स इसमें से आएंगे उसके बाद हम आंखें मूंद के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एग्जांपल कुछ ऐसा होगा आई कैन या कोई भी इनमें से डैश और फिर ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा, द स्कूल और फिर वो गो आया। हमें कुछ सोचना नहीं, जैसे ही इनमें से कोई मॉडल हम देखेंगे उसके बाद वर्ब की यही फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। सो इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। थोड़ा सा समझने के लिए है नेगेटिव, जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बट हैज़, हैव और हैड, अगर यहाँ पर नॉट है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और डू डज के अलावा कोई भी फिर मॉडल आ जाएंगे, विल, शैल, ये हम पहले ही जानते हैं, इन सब के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो डियर वंस, है ना कितना आसान, कितना आसानी से हमने सीख लिया करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो आज से आप मास्टर हो गए इसके, तुरंत इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे, नहीं करा तो करिएगा, और एक लाइक तो बनता है। ओके, सो एंजॉय ऑल द ग्रामेटिक रूल्स एंड स्किल्स, आई एम ऑलवेज विद यू विद माय चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। सो बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।